माय फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबके लिए एक वीकली रीडिंग लेकर आ रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपके जॉब एंड करियर के लिए नेक्स्ट वीक की रीडिंग करूँगी, 27 से 2 नवंबर तक की। एंड देन मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करूँगी फ्रेंड्स। एंड फाइनली मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी जो आपको अगले हफ्ते में ध्यान रखनी है। आई होप आप सब अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है, और इसी तरह से आप अपने फेस्टिवल्स को खुशी खुशी मनाएं। और रीडिंग अगर आपसे फ्रेंड्स मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ कमेंट्स में क्लेम किया करिए एनर्जी को। और दूसरी बात, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, ऑल राइट, तो अब हम लियो राशि आपके लिए वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। जॉब करियर में देखते हैं क्या कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, क्या कहते हैं डिवाइन आपसे। द सोर्स, गोइंग विद द फ्लो, शेयरिंग, दो कार्ड्स निकले हैं, फाइटिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे नजर आ रहा है, सबसे पहला तो अगले हफ्ते अगर आप अपने आप को थोड़े डिफेंसिव मोड में हैं लियो राशि, कि मैं खुद को बचा के चलूं और कोई मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है या कैसे बोल सकता है, तो थोड़ा वैसा मत रहिएगा, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में मत रहिएगा। हो ना डिफेंसिव भी हो ना, क्योंकि देखिए फाइटिंग मोड में ना, इसमें अगर आप कार्ड्स में देखें, एक तो ये शील्ड पहने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ ये दो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं क्लाउड्स में से, तो इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं तो थोड़ा सा, अगर अभी हैं तो नेक्स्ट वीक इस चीज़ को मत करना, ठीक है, कंटिन्यू मत करना, इससे थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करना। और हो सके तो थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रेस के चक्कर में थोड़ा सा पूजा पाठ से दूर हो गए हैं, और तो थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें थोड़ा सा। हो सकता है कि गुस्से में आ जाते हैं जब हम, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देते हैं, और फिर हम किसी की कोई बात नहीं सुनते, कोई अंडरस्टैंड नहीं करते, हम सोचते हैं जो मेरा मन करेगा वही मैं करूँगा वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा मत करना उस तरह से चीज़ें, मत करना, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा झुकने की कोशिश करना। और गोइंग विद द फ्लो से मुझे पता लग रहा है कि मैंने आपको बोला लड़ना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और दूसरा गो विद द फ्लो, जैसी चीज़ें चल रही हैं ना फिलहाल, नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा आप कूल रह के चलना। और ये जो शेयरिंग है, तो हो सके तो अपनी बातों को, अपने मन की बातों को किसी अच्छे इंसान के साथ जो आपको समझे उसके साथ शेयर करिए, अपनी एक अलग लेवल से जैसे करें ना, थोड़ा सा फ्रूटफुलनेस वाली बातें करें जिससे कि कुछ बेटरमेंट वाली फील हो, ऐसे सैड सैड वाले माहौल में मत रहना अगले हफ्ते, ठीक है। तो थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होना और थोड़ा सा ये सैड माहौल में नहीं रहना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप रिगार्डिंग कार्ड्स निकालती हूँ फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं डिवाइन आपसे। तो रिलेशनशिप में लियो राशि के कार्ड्स बताएं डिवाइन। द मून, ओके, द चैरियट, द वर्ल्ड एंड तो लियो राशि अगले हफ्ते आप वैसे तो पॉजिटिव ही रहेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है आप आगे बढ़कर अपनी तरफ से सेलिब्रेशन मोड में रहेंगे, आप चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ इस तरीके से कुछ इन्जॉयमेंट आप चाहते हैं, और शायद आएगा भी कुछ पार्टी मूड कुछ इस तरह से, क्योंकि देखिए अब नेक्स्ट वीक आप सबको पता है कहीं ना कहीं फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, और हम सभी, लेकिन कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल फेज में आप थोड़ा सा फियर्स और मून के एनवायरनमेंट में मुझे मतलब
उदास मत हो जाइए। मान लीजिए कि किसी ने, आपने किसी से एक्सपेक्ट किया कि वो मेरे से इस तरीके का बिहेव करे सपोज, और उसने आपके साथ नहीं किया, तो आप थोड़ा सा फॉरगिविंग रहना। नेक्स्ट वीक आपको लियो राशि यही कहा जा रहा है, देखिए स्ट्रेंथ, थोड़ी सी हिम्मत रखना, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप भी उदास हो गए और वही स्ट्रेस में चले गए कि भाई इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, या इसने मुझे मेरे साथ उस तरह से डील नहीं करा, मैंने तो सोचा था ये मुझे ऐसे करेगी या ऐसे कहेगी या हम तो वहाँ जाएंगे ये करेंगे। तो थोड़ा सा अगर लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करें नेक्स्ट वीक, तो आपको थोड़ा फॉरगिविंग होना है, आपने उन पुराने पैटर्न्स पे नहीं चलना है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हैप्पी वाले माहौल में रहना, कूल रहने की कोशिश करना, और क्योंकि सेलिब्रेशन टाइम है तो आप उस सेलिब्रेशन टाइम को फुली इंजॉय करना, ठीक है। ये लियो राशि आपके लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस है, एक तरह से लव एंड रिलेशनशिप की जो आपकी एनर्जीज निकली हैं, तो आपको पता चल गया है कि किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है नेक्स्ट वीक। अब हम आते हैं आपकी गाइडेंस की तरफ, क्या गाइडेंस निकल रही है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन आपको, डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हो आप लियो राशि को। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर किसी से उलझ जाओ, क्योंकि उसमें भी आपका फाइटिंग आया था करियर वाले में, तो फाइटिंग मोड में तो आना नहीं। अगर बाई चांस हो गई नेक्स्ट वीक या अभी हुई है, तो अगले हफ्ते कोशिश करना कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाए आपकी प्रॉब्लम्स का। और क्योंकि त्योहार का टाइम है, तो आप भी थोड़ा सा उसको माफ़ करने वाले मोड में रहना, ठीक है। और दूसरा, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें वैसे ही अच्छी हो जाएंगी, फिर तो सब वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है, सब चीज़ें, सब इंसान ठीक लगने लग जाते हैं। तो जब पॉजिटिव होते हैं तो हमारे को वैसे ही सब इजी हो जाता है, बड़े से बड़ी कहते हैं ना कठिनाई का टाइम भी इजी हो जाता है निकालना। तो पॉजिटिव रहिए और पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करें जिनके साथ भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी डिस्प्यूट है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और क्लियर हो कि आपको नेक्स्ट वीक क्या करना है, गाइडेंस मिल गई हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।